नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। आईपीएल का 53वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेला जाएगा। यह मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों का यह आईपीएल 2020 का आखिरी मुकाबला होगा, लिहाजा जीत के इरादे से दोनों ही टीमें उतरने वाली है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए हार जीत अब मायने नहीं है पंजाब की तुलना में, क्योंकि पंजाब को हर हाल में इस मुकाबले में जीत चाहिए अगर प्लेऑफ की टिकट कटाना है तो। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले ही इस रेस से बाहर हो चुकी है। ऐसे में केएल राहुल की अगुवाई वाली पंजाब इस मैच में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। हालांकि पिछली बार जब पंजाब की टीम का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से हुआ था तो चेन्नई ने 10 विकेटों से पंजाब को हराया था। उस मैच में फाफ डुप्लेसी और शेन वॉटसन ने मिलकर टीम को जीत दिला दी थी। हालांकि उस वक्त पंजाब की टीम संघर्ष कर रही थी और खिलाड़ी फॉर्म में नहीं थे, पर अब माहौल बदल चुका है। भले ही राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ किंग्स इलेवन पंजाब को हार मिली, पर यह टीम जीत का मादा रखती है। चेन्नई सुपर किंग्स को हरा सकती है क्योंकि क्रिस गेल इस समय फॉर्म में है, केएल राहुल लगातार रन बना रहे हैं और निकोलस पूरन के तो क्या ही कहने, जब भी बल्लेबाजी का मौका मिलता है छक्के लगाने का मौका नहीं छोड़ते हैं। पिछले ही मैच में राजस्थान के खिलाफ क्रिस गेल ने 99 रनों की पारी खेली थी और केएल राहुल ने भी 40 प्लस रन कूटे थे। इतना ही नहीं, केएल राहुल तो इस समय टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर हैं और उनके आसपास कोई है भी नहीं। गेंदबाजी की बात किया जाए तो क्रिस जॉर्डन और मोहम्मद शमी ने अपने प्रदर्शन से निराश नहीं किया है, फॉर्म में है, बस पिछला मैच ही खराब रहा था। बाकी स्पिन खेमा तो मस्त है, बढ़िया गेंदबाजी हो रही है और मध्य के ओवरों में विकेट भी निकाल रहे हैं। गौर हो, इस समय अंक तालिका में किंग्स इलेवन पंजाब चौथे पोजीशन पर है और टीम के 12 अंक हैं। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 13 मुकाबलों में 5 मैचों में जीत हासिल की है और 8 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। चेन्नई का ये पूरा सीजन ही खराब रहा है, पर बीते 2 मैचों में टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है। खासकर जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ ने परफॉर्म किया है वो लाजवाब है। दोनों ही जीत के हीरो ऋतुराज ही रहे और 50 भी लगाया। आरसीबी के खिलाफ ये कहानी शुरू हुई थी और अब केकेआर के खिलाफ इस युवा बल्लेबाज ने 72 रनों की पारी खेलकर चेन्नई को अगले सीजन के लिए एक उम्मीद दे दी है। जबकि रविंद्र जडेजा ने इस सीजन धोनी की जगह ले ली है, मतलब कि मैच गजब का फिनिश करते हैं और कुछ कैमियो पारी उनके बल्ले से भी देखने को मिली है। गेंदबाजी में इस सीजन चेन्नई ने निराश किया है, न दीपक चाहर सफल हुए हैं और ना ही कोई और गेंदबाज। आप सैम करन का नाम ले सकते हैं क्योंकि इस सीजन उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से ही कमाल का प्रदर्शन किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब चेन्नई और पंजाब के बीच मुकाबला खेला जाएगा तो कौन सी टीम जीत हासिल करती है और कौन सी टीम को हार का सामना करना पड़ता है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।